तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सारे भाई अच्छे होंगे। आज की वीडियो मैंने किया है एक पड़ोस वाले आंटी के ऊपर प्रैंक, जिसकी वजह से वो लास्ट में रोने भी लगी तो काफी बुरा लगा उसका। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आप लोगों के लिए खूब हंसाने का मटेरियल है, तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, पूरा का पूरा लास्ट तक देखना। और वीडियो से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। देखिए यार अपने बालों को स्टाइलिश रखना किसको पसंद है? आई थिंक दुनिया में हर एक बंदे को पसंद है, लेकिन यार आज के टाइम पे उसके लिए आप लोगों को अपने बालों की बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। यदि आप लोग नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों को हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। और आज के टाइम में हम मर्दों की सबसे ज्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है रेजिडिंग हेयर लाइन, इधर के हमारे बाल जाना। क्या आप लोग जानते हैं बाल झड़ने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है ना, वो होता है डीएचटी प्रोडक्शन। आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। डीएचटी प्रोडक्शन यदि आप लोगों के सिर में होगा तो उससे क्या है कि जो आपके नए बाल आने वाले हैं ना, वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपका हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस डीएचटी प्रोडक्शन को आप लोग बंद कैसे कर सकते हैं और अपनी हेयर ग्रोथ को वापिस चालू कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को जो ऑयल रिकमेंड कर रहा हूँ वो है आप लोगों का मुच स्टैका आयुर्वेदिक हेयर ग्रोथ ऑयल। दोस्तों, नाम में ही आयुर्वेदिक छुपा है, तो इसका मतलब आपके बालों पे इसका बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, ओनली इफेक्ट होगा और अच्छा इफेक्ट होगा। इसकी जो सबसे अच्छी बात क्या है कि दोस्तों, इसमें है ना 16 तरह के ऐसे ऑयल से, मैं कुछ नाम गिना देता हूँ आप लोगों को, पंपकिन ऑयल, ब्लैक कुमिक ऑयल, आलमंड ऑयल एंड आप लोगों का मलकांगनी ऑयल। तो दोस्तों, जो मलकांगनी ऑयल है ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये काम कैसे करता है कि जब आप हफ्ते में इसको 2-3 बार यूज करोगे तो आपके जो बालों में डीएचटी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है पहले से, उस प्रोडक्शन को ये बिल्कुल ब्लॉक कर देगा। तो जैसे ही डीएचटी प्रोडक्शन आप लोगों का ब्लॉक होगा तो आप लोगों के नए बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे, और आप लोगों को बालों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो उसका दोस्तों सोल्यूशन आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगा। क्या है कि दोस्तों, इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप लोग इसको आसानी से परचेज कर सकते हो। और तो मैं भी आंटी को बुला लेता हूँ, मैंने उनको पार्क में बुलाया, हालांकि वो कह रही थी घर पे आ जा, लेकिन घर पे वो प्रैंक हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि अंकल भी रहते हैं और अंकल तो मिले हुए हैं अपने साथ इस प्रैंक में, तो फिर घर पे कैसे करें। तो मैं कॉल कर लेता हूँ आंटी को एक बार। आजा आंटी आजा। हेलो। अरे आंटी आई नहीं, आपको 20 मिनट पहले फोन किया था मैंने। अरे बेटा आ रही हूँ, घर के भी तो इतने काम देती हूँ। अरे तो साइड में तो पार्क है, कोई दूर थोड़ी है। अच्छा आई आई हैं? आ रही हूँ बेटा आ रही हूँ। चलो ठीक है, आ जाना, जल्दी आ जाना। ठीक है भाई, इनको टाइम लगेगा यार, हालांकि मैं बगल वाली पार्क में बैठा हूँ, लेकिन फिर भी कह दिया कि आ रही हूँ आ रही हूँ। देखो कब तक आती है यार, मतलब आज है ना आंटी, मतलब तगड़े वाले मजे लेने वाले अंकल और मैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अरे यहाँ पे आंटी, इधर उधर से क्यों नहीं आया गेट से? अच्छा दूर था क्या वो? नहीं दिख गया तो मैं यहीं आ गई। चलो ठीक है कोई नहीं। ऐसा क्या हो गया जो देखो पार्क में बुला लिया मुझे? क्यों, पार्क अच्छी नहीं है क्या? पानी लेके आए हो मेरे लिए? ना मैं पानी तो नहीं, मैं फोन पे कहता आपको, बाद में फोन किया था मैंने, कहा बोतल ले आइयो आप, लेके नहीं आए। भूल गई, निकाल ली थी फिर वहीं रह गई। हां बोल। मैं तो पसीने में बुरा लगा, मैंने सोचा पानी पिया पिलाओगे आप मेरे को, घर आ जाता। घर आने वाली बात नहीं थी, घर वाली बात नहीं थी। क्यों? ठीक हो, ऐसा क्या था, क्या काम था ऐसा जो पार्क में बुला के बताना था, ऐसा क्या था? अभी पहले तो मतलब बुरा मत मानियो यार इस चीज का मुझे। देखो मैंने ना ये बात थी ऐसे कि मतलब पार्क वगैरह में आपसे अकेले में आपको बताऊं। अच्छा। मैं क्या बताऊं, मेरे तो मेरे बताने का दिल नहीं कर, मेरा दिल रो रहा है अंदर से। कोई ना बता दे, मैं दिल रो रहा है मेरे अंदर से। मैं बता, आप तो बताओगे, आप तो सबको गा के बताओगे, बाद में बताऊंगा। तो ऐसा क्या है चीज ही ऐसी, मैं क्या करूँगा, मैं तो मैं कह रहा हूँ मेरे तो भीतर से फटने को हो रहा है मेरा कलेजा, कि मैं आपको कैसे बात बता दूँ। अंकल मेरे को है ना ठीक नहीं लग रहे। अंकल ठीक नहीं लग रहे? हाँ। अंकल को क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? अरे नहीं घर पे ही होंगे, आपको पता ना कहाँ है। नहीं वो तो काम से गए थे। तो काम पे है, कुछ नहीं हुआ उनको, पता ठीक नहीं लग रहे, मतलब ठीक नहीं है वो, चाल चलन अच्छे नहीं है उनके। मेरे को बात कर रहे, अरे गंदी गंदी बातें करते मेरे साथ। अरे उम्र देख अपनी, उम्र नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ऐसा ही है। मैं क्यों, क्या मैंने आज आज से पहले कभी आपको बोला है? क्या कहा उन्होंने बच्चों को? मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरा बताने का दिल भी नहीं कर रहा, कैसे बताऊँ आपको, लेकिन मजबूर है, बताना पड़ेगा। अब तो तुझे बताना पड़ेगा, देख ले पता, तूने अंकल की बात करी, अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या बात है? छोड़ो क्या छोड़ो, आप अंकल को भी नहीं गए, बाद में बताऊंगा। तो उनका चाल चलन अच्छा नहीं है। क्या नाम है तुम्हारे घर में काम करती है जो? बिमला। वो उसके साथ वो मैं, अरे झूठ मत बोल। अरे सुनो आंटी, छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे किसने बोला तुझे झूठ? अंकल ने बोला, ये नहीं हो ही नहीं सकता। अरे मेरे पास 15 दिन पहले की बात है, 15 दिन पहले आप कहाँ गए थे? देख मैं थप्पड़ लगा दूँ। अरे सुन, 15 दिन पहले कहाँ गए थे आप एक दिन?
कहाँ गए थे? मेरे को नहीं पता, आप घर पे नहीं थे, आप पूरे दिन आपके घर? मैं गई थी अपनी चाची के यहाँ। चाची गए थे ना, तो 15 दिन पहले उस दिन है ना, मतलब हम यार दोस्तों के, मेरे दोस्त का बर्थडे था, वो बोले भाई पार्टी करनी है, तो वहाँ पे रूम वगैरह नहीं था, तो अंकल बोले अपने घर पे आ जाओ, मेरे को भी पिला लियो साथ में। तो बस उसके चक्कर में, पीने खाने के चक्कर में बैठ गए और लग गए अपनी स्टोरियां सुनाने। हम अपनी गर्लफ्रेंड की बात करें, वो कह रहे मैं बिमला 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 आपके बारे में, पागल है क्या? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं उनसे पूरा दिन बात हुई है, वो पूरा दिन चर्चे कर रहे थे बिमला के, इतने किस्से सुना दे। नहीं, काम लेना होता है तो नौकरों की। अरे वो दूसरे वाला काम ले रहे हैं, तुम काम काम के चक्कर में रह जाओगे, दूसरा काम ले रहे हैं उनसे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं थप्पड़ लगा दूंगी तेरे को। मैं फालतू बोल रहा है? मैं फालतू नहीं बोल रहा, मैं सही कह रहा हूँ आंटी, बिल्कुल भी आप मानोगे नहीं, बाद में क्या सबूत है तेरे? अरे सुनो, आज से पहले अंकल ने ना कभी भी मेरे को ऐसी बात नहीं की भी मैं ऐसे, लेकिन उस दिन पीने के बाद जो उन्होंने ले ली ना पैक करके, वो खुल गए मेरे से, मतलब दोस्त बना लिया मेरे को। मैं तो अंकल कहता रहता हूँ नमस्ते, पैर पड़ करता हूँ। हे भगवान, वो बिल्कुल अलग हो गए हैं, बिल्कुल आप मानोगे नहीं उस बात को। मेरे को बिमला के किस्से सुना ले, बिमला इतनी प्यारी है, जब आती है वो पैरों में अपने पजे बांध के, मेरे को इतनी प्यारी लगती है। तू चुप कर जा नहीं तो मैं थप्पड़ मारूंगी। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा आंटी, मैं सच कह रहा हूँ। आपको अंकल के बिहेवियर में चेंज लगा है? है तो है ना, फिर उनकी वजह, उसकी वजह से, बिमला की वजह। बिमला कहाँ पे है? वो गई काम करके घर। कितनी देर के लिए आते काम करने के लिए? 1 घंटा। वो पता नहीं क्या चक्कर है उनका, मेरे को तो बहुत किससे सुनाते बिमला के। मैं रात को भी मेरी बात हुई, मैं बोला बिमला कैसी, बोली बिमला तो यार आज 2 दिन काम पे नहीं आई, बोली 2 दिन मेरा तो जी नहीं लगा, ये कर दे। तू मेरा घर खराब ना कर, मैं तेरी बात में बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा। मैं घर खराब होने वाला कौन होता हूँ? मैंने हाँ मेरी आंटी, पता तू शरारत कर रहा है। अरे आंटी मैं इन चीजों में, मेरी शक्ल देखो, शरारत वाली शक्ल लग रही, मेरे आंसू आ रहे हैं पसीने के रूप में, जो दिख भी नहीं रहे आपको। मेरा तो आंटी, मैं तो लौंडा हूँ, मेरी तो उम्र है इन चीजों की, सारी दुनिया वैसे ही दिख रही है, तो मैं से, कुछ नहीं है। वो खुद बड़ाइयां मार रहे हैं, मैं क्या करूं? रहने दे, रहने दे। और वो तो मेरे से लुची लुची बातें करते, बोला वो कैसे करते, वो कैसे करते, बोला पोज वाली। चुप कर जा, चुप हो जा, मैं नहीं मानती ये बातें, मुझे कोई सबूत दिखा। सबूत में फोटो थोड़ी खींचता फिरूंगा उनकी, सबूत कह रहे सबूत दिखा है, अगर मैं कैमरे लगवा दूं आपके, मैं फोटो खींचता फिरूंगा उनकी, कह रहे सबूत दिखा। मेरे पे क्या सबूत है? मेरे पे क्या सबूत होगा इसका? मैं तो बस बात करता हूँ अंकल से, बातों बातों में बता देते हैं। अच्छा सुनो, ठीक सुनो बोलियो मत। देखो मैं ना पहले बता रहा हूँ, क्योंकि अंकल है ना, अगर मैं पहले बोला, अगर तुम आंटी को बता दिया ना, जान से मार दूंगा, क्योंकि उन्होंने पीन पीन के चक्कर में बता दिया मेरे को, और आपको पता है कितने खतरनाक है वो। अगर आपने बता दिया ना उनको कि मैंने आपको बताया, तो प्लीज़ आप वो मत कर लेना, ठीक है? बताना मत उनको, सिर्फ आपको आपको ताकि आपकी घर गृहस्थी बच जाए, उसके लिए आपकी बात करूँगा मैं, ठीक है? बोलना मत बीच में बिल्कुल भी। हेलो हेलो, हाँ ताऊ क्या कहना है? बढ़िया जमा। कड़े है? घर के कड़े है? बस बैठे थे भाई। इबे आए क्या आंटी को दी, नौकरी पे जा रहे हैं? ना इबे आया। अच्छा अभी आए हो? हाँ। और ठीक हो? हाँ बढ़िया भाई। अच्छा तो हम फोटो फाटो मांगो थे ना, पोजाड़ी में भेज दूंगा तो हमने शाम में। कौन से क्या कितनी फोटो भेजूं? देख ले एक दो भेज दिए। क्या बिमला कड़े है फिर? जाली। आते जाली, आते जाली, आते जमा सही जाली की अगर है थोड़ी बहुत क्यों जी सको कुर तोड़ की तारा बस जाली भाई। अच्छा जी, मेरा भी नहीं लग रहा। जी को लग रहा क्या आंटी को नहीं कर रहा? कट जा रही है, पड़ोस में जा रही है। अरे के बोला था ना? के बोला? के बोला? के बोला था? के बोला? के बोला छोरे ने? ना कुछ कर मत ना, मैं तेरे को दिख नहीं रही घर में। मैं मजाक करूं था? मैं निकालती हूँ तेरा मजाक, अभी आ रही हूँ मैं घर में। तुट्टी कभी आ रही हूँ मैं, पड़ोस में जा रही नहीं, मैं यहीं बैठी हूँ, अभी आ रही हूँ तेरे पास, तू देखियो। दे लो आंटी बिमला, बिमला शिमला कितनी नौकरा ले लाई होगी अपने काम खातिर। मैं जा रही हूँ घर। आप देख ली होगी सारे? मैं घर जाऊंगी। अभी घर जाके क्या करोगी? मैं सीधा करूंगी उसको। कैसे सीधा करोगी? जमा टेढ़ा बंदा पड़ा है वो। हे भगवान, आंटी को मैं इतना ध्यान रखती हूँ। कहाँ तुमने ध्यान रखा है? नहीं ध्यान तो बिमला रखती थी सारा का सारा। प्रभु, मैं तलाक दे दूंगी उसको। तलाक का को
अभी भी आप बुढ़ा कह रहे हो, वो बिमला के साथ वो मना रहे अपने हनीमून मनाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपने ध्यान ही नहीं रखा उसका। मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। अभी इस उम्र में माँ बाप थोड़ी उठेंगे आपको। ना मैं तो नहीं रहती उसके साथ। उसके साथ में रहना पड़ेगा तो मजबूरी आपकी काट ली। मैं तो आंटी, मैंने बताने की जिम्मेदारी थी, आप मेरी प्यारी आंटी हो, मैं सोचा बता दूं आपको। मेरे को क्या पता है ऐसा ऐसा कर दिया उसने, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, कहीं माँ बाप क्या करेंगे आपका। अभी आप ध्यान नहीं रखा होगा, ऐसे बर्बाद हो गई मैं। बिमला को निकाल दो उसको काम से, पता नहीं क्या बोल रहे हो। जाले जाले तू जा, तुझे भी निकाल दो। मैं क्या कर, लो आंटी मैं आपकी मदद कर रहा था, आप मेरे को ही मार रहे हो। ये आंटी देखो आपकी बड़ी अच्छी बात हुई आपकी, अब मैं आपकी मदद करने के लिए मैं आपकी घर गृहस्थी बचा रहा हूँ, आप मेरे को कह रहे हो मेरे को निकाल दो, मैं तो चला जाऊंगा। तेरे मारा क्यों नहीं अंकल को जब उन्होंने बताया? मैंने कि मैं किस तरह मार देता, उम्र को नहीं, आपने मेरे को मारा तो बता रहा है तू, इतने दिन बाद घर की बातें बतानी तो पड़ेगी कभी ना कभी, तो ऊपर आएगी बात, घर की बातें बतानी नहीं पड़ेगी आपको। वो ऐसा ऐसा बुढ़ा कर रहा है, वो ऐसा ठरकी है, वो मेरे को बोलता है ऐसे पोज के फोटो भेज, पता नहीं कल को क्या क्या मांगेगा मेरे से। मैं जा रहा हूँ ठीक है, आपने मेरे को ही मार दिया, आपने मेरे से नहीं रखा, बताओ आप क्या करूँ मैं। अरे आंटी कोई नहीं, देखो रोने की कोई जरूरत नहीं, घर पे चलो दूसरा ब्याह करवा देंगे। मेरा क्या होगा, मेरे को दूसरा ब्याह कराने का, उनका करा दूसरा ब्याह, वो तो कर ही लेगा बड़ा बिमला से, बिमला है उसके लिए तो। आप रो मत आंटी, कोई नहीं, देखो मेरी बात सुनो, रोया नहीं करते, पार्क में से अच्छा भी नहीं लगेगा, अब अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। चलो खड़े हो जाओ, ब्याह हो जाएगा दूसरा, कोई बात नहीं। अरे अभी तो जवान हो आंटी, कौन नहीं लाली पोटो, थोड़ा फालतू ला लियो, हो जाएगा। चुप कर, मेरे को कह रही हूँ बता, मैं मेरे को वो बना दे, मैं तुम्हारी घर गृहस्थी बचा रहा हूँ। बचा रहे हैं बहुत, तो बचा ही रहा हूँ तुम्हारे, अब ब्याह करवा रहा हूँ। अंकल को कुछ ना करियो, देखियो अब तू, मैं नहीं बख्शती उसको अब। आपकी लड़ाई की खबर हमारे घर तक नहीं आनी चाहिए, मैं ये बता दूँ आपको, ठीक है? बात सुनो आंटी, कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा, कोई देखो अभी रोमा ठीक है। अरे सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं था, अरे रो क्यों रही हो, अरे मजाक कर रहा था मैं। कौन सा मजाक? पीछे देखो, पीछे कैमरा लगे। मजाक अब कर रही है, पहले कर रहा था, ये बता। अरे नहीं, मजाक कर रहा था अंकल की, मेरी साठ गांठ है। मैं बोला अंकल भी मिला के बारे में ऐसे ऐसे बोल दी। अरे मजाक कर रहा था, किस बात का मजाक? अरे अरे अंकल बोलता था वो मेरे को ना लेनी करके रखती तुम्हारी आंटी मेरी, थोड़ा सा प्रैंक करो उसके ऊपर, तो मैं चक्कर लेता हूँ कुछ ट्राई। पागल, क्या करूँ मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा नया रिश्ता करूँ, कोई जरूरत नहीं अंकल की, तुम्हें नया रिश्ता करूँ। मुझे तेरे अंकल ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, ठीक है? उनको जरा टिका ले, दिमाग में हो भी तो सीधे हो जाए। माफ कर दो, मजाक कर रहा था, ठीक है, आई एम सॉरी। सो फाइनली गाइस, कैसी लगी वीडियो, आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है फटाफट दबा दो, और बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊं तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिल पाए। तो दोस्तों याद है ना, मुझटेक का आयुर्वेदिक हेयर ग्रोथ ऑयल, तो दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक इसको परचेज नहीं किया है तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से इसको परचेज कर लो। तब तक दोस्तों मैं भी इसको यूज कर लेता हूं, क्योंकि भाई मुझे भी अपने बालों की केयर करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है गाइस, यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राम राम जी।